नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे मल्टी विटामिन पिल्स आप अगर लेते हैं तो उन्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे फूड्स हैं यानी कि पांच आपको ऐसे खाने वाली चीजों के बारे में बताएंगे जिनका अगर आप सेवन करेंगे तो आपको मल्टी विटामिन पिल्स की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। यानी कि ये पांच फूड ऐसे हैं जिनके सेवन से आपको अलग अलग तरह की विटामिन की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसी बारे में। क्या आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो पोषण देने के मामले में मल्टी विटामिन पिल्स को भी मात दे सकते हैं? जी हाँ, लोग सोचते हैं कि मल्टी विटामिन कैप्सूल या फिर गोलियां ले लेने से आपके शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप जितना नेचुरल खाते हैं उतना ही सेहत के लिए बेहतर होता है। विटामिन और मिनरल्स शरीर के लिए हवा और पानी जितने ही आवश्यक हैं। ये न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं और फंक्शन करने में मदद करते हैं, बल्कि कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। तो यहाँ हम आपको ऐसे ही कुछ एक फूड्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं जिनमें पोषक तत्वों की खान होती है और जिनके सेवन से आपको मल्टी विटामिन पिल्स यानी कि अलग अलग तरह की विटामिन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली है पीली शिमला मिर्च। जी हाँ, पीली शिमला मिर्च में विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, फाइबर, फोलेट और आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करता है। थकान, त्वचा पर होने वाले रैशेज, मांसपेशियों में दर्द और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को दूर करने में मदद करता है। तो इसलिए आपको पीली जो होती है शिमला मिर्च, उसका सेवन जरूर करना चाहिए। हर सप्ताह में कम से कम एक दिन तो जरूर कीजिए। इसके अलावा पालक, हरी सब्जियों में पालक को मात देने वाला कोई भी फूड नहीं है। जी हाँ, इसमें विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी वन की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा पालक एंटीऑक्सीडेंट्स की आपकी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकता है एक खुराक में। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करके शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है, यानी कि शरीर में जो गंदगी जमा होती है उसको बाहर करता है, जिसकी वजह से आप स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा केला। जी हाँ, आहार में केला को शामिल करना बेहद फायदेमंद होता है। यह विटामिन के वन, विटामिन सी, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन बी सिक्स, मैग्नीज, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। विटामिन के शरीर में रक्त के थक्के को जमने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन और फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका भी सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा ब्राजील नट्स। जी हाँ, अगर आपके शरीर में सेलेनियम की कमी है तो ब्राजील नट्स आपके लिए सही स्नेक हो सकता है। सेलेनियम थायराइड और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी पोषक तत्व है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा मिल्क। जी हाँ, हर किसी से आपने सुना होगा कि हर रोज एक गिलास दूध पीना चाहिए और शाम को, रात को। दूध क्यों पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, क्या मिलाना चाहिए, डाइजेस्ट नहीं होता है तो दूध के बारे में पूरा एक वीडियो इस चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जरूर देखिए, आपके बेहद काम की वीडियो है वो। जी हाँ, इसमें अगर थोड़ी सी हल्दी मिला लें तो और फायदेमंद हो जाता है। हालांकि दूध सबसे ओवररेटेड फूड है और लोग इसकी अहमियत को नहीं जानते, लेकिन हर रोज एक गिलास दूध पीने से आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, आपके दांत मजबूत रहते हैं, शरीर को कैल्शियम की पर्याप्त खुराक मिल जाती है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, पोटेशियम, फास्फोरस और विटामिन बी टू के साथ साथ विटामिन बी ट्वेल्व भी होता है। दूध तो ऐसा आहार है जिसे आप अगर लेते हैं तो आपको ना कुछ खाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कुछ पीने की। और इसका उदाहरण भी है, जब बच्चा जन्म लेता है तो काफी समय तक सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर ही रहता है, ना तो पानी पीता है और ना ही कुछ खाता है, और उसका शरीर स्वस्थ रूप से ग्रो भी करता है अच्छे से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूध कितनी महत्वपूर्ण औषधि है, दूध का सेवन किया जा सकता है। अब इसमें एक दो चीजें और ऐड कर लीजिए अगर आपको स्वस्थ रहना है और इन विटामिन्स को सही से शरीर में लेना है। तो सुबह सुबह नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए और जितने भी फल फूड्स या फिर सब्जियां हैं, कोशिश कीजिए कि बिना पकाए इनका सेवन जरूर कीजिए। बिना पकाए सेवन करने से ये जो औषधियां होती हैं, खाने की चीजें होती हैं, ज्यादा
ज्यादा फायदा करते हैं। या फिर अगर पकाते भी हैं तो कोशिश कीजिए कि कम आंच पर पकाएं। अगर मिट्टी के बर्तन में पकाएंगे तो सबसे कम नष्ट होता है इसकी जो औषधि की गुणवत्ता होती है। और अगर आप इसके बाद पीतल के बर्तन में कर सकते हैं, हाँ तांबा के बर्तन में कर सकते हैं, खाने बना सकते हैं, फिर भी ठीक रहेगा। अगर आप स्टील वगैरह के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो सब्जियों के जो मैक्सिमम पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए कच्चा सब्जियों को खाने की कोशिश कीजिए। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, आप पशु पक्षियों को देखते हैं, वो सभी कच्चा ही खाते हैं। जो भी फल सब्जी खाते हैं वो कच्चा खाते हैं। और इसका उदाहरण भी देखिए कि वो बहुत कम बीमार होते हैं। अगर उनको चोट वगैरह ना लगे, बाहर से एक्सटर्नल चोट ना लगे, तो वो जल्दी बीमार नहीं होते हैं। और इसकी वजह यही है कि उनके पानी पीने का तरीका देखिए। आप देखेंगे तो कोई भी जंतु ऐसा नहीं है कि हम लोगों जैसा एक बार मुंह से पानी लगाया तो पी जाएगा। तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। पानी को कैसे पीना चाहिए, मुंह में घुमा घुमा करके, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक ऐसे ही खाने को अच्छे से चबा चबा करके खाना चाहिए। और हरी फल और सब्जियों को जो खाएगा, अच्छे से चबा करके खाएगा, उसके शरीर में कभी भी विटामिन की कमी होगी ही नहीं। और जो ये 5 फूड हमने बताए, इनको आप सप्ताह में रोटेट करके जरूर शामिल करते रहिए अपने खाने में, क्योंकि ये स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। इनमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनसे आपकी बॉडी हमेशा फिट रह सकती है। तो इन नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल जाए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर अगला कौन सा टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, या फिर आपकी कोई खास बीमारी या समस्या है, या किसी औषधि को जानने के बारे में क्यूरियोसिटी है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। हम आने वाले दिनों में उस पर वीडियो बना देंगे। फिलहाल वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नई वीडियो में।